समाजसेवी संस्था नई उम्मीद ने नार्मल परिसर में बने मानसिक मंदती आश्रय गृह में पांचवें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर रविवार को 33 अनाथ मंदबुद्धि बच्चों को ड्रेस वितरण किया और मेधावी दृष्टिबाधित छात्रों को सम्मानित किया। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि आर्य समाज से जुड़ी वरिष्ठ महिला शकुंतला शुक्ला, मानसिक मंदित आश्रय गृह के अधीक्षक विजय पाल, वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर आर के सी मिश्रा और गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्व विभागाध्यक्ष अंग्रेजी प्रोफेसर विनोद सोलंकी ने अनाथ और मंदबुद्धि बच्चों को मेधावी दृष्टिबाधित छात्रों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संस्था के महासचिव मार्कंडेयमणि त्रिपाठी, सर्वेश मिश्रा, ब्रिजेश सिंह, ज्ञानेन्द्र ओझा, डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव सहित संस्था के अन्य सदस्य मंदबुद्धि और अनाथ बच्चे उपस्थित रहे। इस संबंध में गौरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संस्था के अध्यक्ष रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जैसन फाउंडेशन से आप जुड़ी हुई हैं और कार्यक्रम के इनको राइटर नहीं मिल रहा था सुनील कुमार वर्मा जी को। सुनील जी आपको आने में दिक्कत होगी, फिर मैं बाप इनको साल उड़ाकर और परमात्मा स्थान ग्रहण करें। विद्यालय के सभी स्टाफ, उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक और प्यारे बच्चों, इस समाज सेवी संस्था के पांचवें वर्ष के स्थापना दिवस पर मेरी शुभकामना और आवाहन कि सभी लोग इस तरह के काम में इनका हाथ बटाएं, इनके साथ आएं और अपने स्तर से भी जो समाज के प्रति उनका दायित्व तो है, जो जिम्मेदारी है, उसको समझें। हमारा दायित्व तो सिर्फ इतना नहीं है कि हम सिर्फ अपने परिवार और अपना पालन पोषण करें, हमारा इसके बियॉन्ड भी दायित्व तो है। आपने सुना होगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काबू व्यापा, ये ऐसे नहीं बना था। हर व्यक्ति जब दूसरे का ख्याल करता है अपने परिवार के अतिरिक्त, जो समझता है कि वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना से जब काम करता है कि अन्य लोग भी हमारे परिवार के अंग हो सकते हैं, तो इस तरह के कार्य करने में आपको एक अंदर से प्रेरणा मिलती है। इन बच्चों के लिए कुछ करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा दायित्व है। समाज के एक हिस्सा होने की वजह से हमारा दायित्व भी है ये बच्चे कि हम इनके लिए कुछ करें और समय समय पर करते रहें। इन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आप ही के बीच से कुछ लोग उठ करके अध्यापक का कार्य भी पा गए, तो आप कितनी आगे जाएंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिव्यांग लोगों ने महान काम नहीं किया है। अष्टावक्र का नाम सुना ही होगा, शास्त्रार्थ में उनके समक्ष उनके काल में कोई था ही नहीं। आपने विंसेंट वान गोग का नाम सुना होगा, दृष्टिहीन थे लेकिन उनकी पेंटिंग की कीमत चुकाने में पूरे देश की पूरे देश का जीडीपी कम हो जाएगा। आज अगर उनकी एक पेंटिंग की कीमत चुकाना हो तो कई छोटे मोटे देश की जीडीपी भी नहीं पहुंच पाएगी, जो विंसेंट वान गोग ने जो पेंटिंग बनाई थी, जो दृष्टिहीन थे। मैडम बैठी हैं, अंग्रेजी की प्रोफेसर, विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन के रचयिता, वो जन्मार्थ थे। सूरदास जी के विषय में कोई मुझे कहना नहीं है, अभी रविंद्र जैन जी के बारे में आप सब जानते हैं। एक और आपको मैं पेश करना चाहता हूँ, अद्भुत दिव्यांग प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स लिखा था। कहा जाता है कि उनके समक्ष आज तक कोई वैज्ञानिक धरती पर अवतरित ही नहीं हुआ है। तो आप किस सीमा तक, कहाँ तक जा सकते हैं, इतने प्रकृति द्वारा चुनौती पाने के बाद भी, ये कोई नहीं जानता है। ये मोनू मोनू और अभी ये दो बच्चा जो है अंकित का भी है, ये कार्यक्रम नई उम्मीद संस्था अपने स्थापना दिवस पर दिव्यांग बच्चों को सम्मान देने के लिए, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए कर रही है।